उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ ही किचन से हुआ, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बिजी गुजरने वाला था। आज मेरी बेटी का कॉलेज में फंक्शन था, तो उसने मुझे सुबह सुबह बताया कि मामा मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, आपने उनके लिए कुछ खाना वगैरह रेडी करना है। तो बस मैं जल्दी से किचन में आ गई, और मैंने सोचा कि मुझे जल्दी जल्दी में यही समझ आया कि मैं उनके लिए पुलाव और जो है वो ज़रदा बना दूँ। लेकिन मेरी बेटी की सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन थी कि मामा आपने ऑयल और घी बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि हम मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो ऑयल और घी जो है वो कम इस्तेमाल करती हैं। तो बस इसलिए मैंने बिल्कुल कम से ऑयल में जो है वो पुलाव भी तैयार किया, और बिल्कुल कम घी का डाल के ज़रदा चावल भी तैयार किए। और मैं साथ साथ में यही सोच रही थी कि देखें इतने कम ऑयल में भी काफ़ी अच्छा खाना तैयार हो जाता है। तो पता नहीं फिर हम इतना ज़्यादा ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैंने 3 या 4 टेबल स्पून सिर्फ इसमें जो है वो डाले थे ऑयल के। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है इतना मज़े का पुलाव तैयार हो गया था, और बिल्कुल टेस्ट से किसी तरह भी नहीं लग रहा था कि आपने कम ऑयल में खाना रेडी किया है। और बहुत ही अच्छा लाइट सा और बड़ा मज़े का जो है वो पुलाव तैयार हो गया था। तो आज मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, और बड़ा उसको था। और मैं उसको कह रही थी कि तुमने अपने छोटे बहन भाइयों को भी साथ लेकर जाना है, क्योंकि वो इस तरीके से उनसे उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। तो वो जो है ना वो छोटे दोनों फातिमा और हाशिर भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम भी जाएंगे आज आपी के साथ। तो हाशिर तो अभी तक सोया हुआ था, मैंने सोचा कि उसके सोए सोए मैं जो है खाना रेडी कर लूं, क्योंकि जब फिर वो उठ जाएगा तो फिर उसको उसकी भी तैयारी वगैरह करवानी होगी। तो ये अब देख सकते हैं चावल बिल्कुल जो है वो दम के करीब आ गए थे, और इनको अब मैं सोच रही थी कि अब इनको मैं दम दे दूं। और इधर जो है वो सालन का भी जो है बिल्कुल मसाला तैयार हो गया था, इनको चावल जर्दा चावल को मैंने दम दे दिया था, और बस फिर ये भी रेडी हो गए थे। और देखें दोनों पुलाव भी इतना अच्छा तैयार हुआ था और ये जर्दा चावल भी। और इन दोनों को रेडी करने के बाद मैं हाशिर के पास आ गई, और फिर मैंने हाशिर को सोए हुए को उठाया, और हाशिर को जूं ही मैंने कहा कि आपने फन फेयर पे जाना है, तो बस वो उसने जल्दी से जंप किया और फौरन से उठ के एक्साइटेड होकर बैठ गया कि हाँ मामा मैंने फन फेयर पे जरूर जाना है, और बड़ा एक्साइटेड था। फातिमा पेपर देकर आ गई है। फातिमा कैसा पेपर हुआ है? बहुत अच्छा पेपर हुआ, एक भी गलती नहीं। वाकई में? हाँ। क्या मामा को खुश कर रही हो? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बेटी के मैं रूम में आई, मैंने बेटी से पूछा कि आपने कौन सा ड्रेस पहनना है। उसने मुझे बताया कि मामा मैंने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया है, और वो मुझे इतने में अपने ड्रेस की सारी जो है वो डिटेलिंग वगैरह दिखा रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ कि ये वाला ड्रेस पहन रही थी, और साथ में ये इयररिंग्स थे उसके, और ये उसने अपने लिए इसके साथ चूज़ किए थे, और ये उसने नेकलेस अपना ये चूज़ किया था कि मैं ये साथ मामा नेकलेस पहनूंगी, और ये साथ में ना उसके वो जो है ब्रेसलेट था कि उसने ब्रेसलेट पहनी, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी वो। मैंने हाशिर को भी नहलाकर और उसको भी रेडी कर दिया था, और हाशिर बहुत आज एक्साइटेड था कि मैं आपी के साथ फन फेयर पे जाऊंगा। और उधर क्योंकि काफ़ी झूले वगैरह भी थे, फातिमा भी रेडी हो चुकी थी और जो है ना बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भी आपी के साथ जाऊंगी। और ये मेरी बेटी की फ्रेंड्स भी आ गई थी, और ये सब लोग रेडी हो रही थी इसके रूम में। और ये फिर मैंने इनसे कहा कि आओ मैं आप लोगों को ना रिक्शे पे बिठाती हूँ। ये फिर रिक्शे पे जो है ना उनको मैं बिठा रही थी, और ये जो है ना उसकी फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स आई थी साथ में, फातिमा और हाशिर थे। और अब ये लोग टिकट लेके फिर उसके बाद ये एंटर हो गई, और वहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए थे, और जिसमें ये ऊंची ऊंची चीखें भी लगा रही थी, और साथ में ये बड़े ऊंचे ऊंचे झूले भी ले रही थी और चीखें भी ऊंची ऊंची लगा रही थी। काफ़ी एंजॉय कर रहे थे ये लोग। Thank you.
उसके बाद इन्होंने अपना खाना इंजॉय किया, शवारमा खाया, बिरयानी खाई और फिर गोलगप्पों के स्टॉल पे आ गई और बड़े मज़े से जो है गोलगप्पे वाले इनको गोलगप्पे बना बना के दे रहे थे और साथ साथ में बच्चियां जो है वो गोलगप्पे तो भाई सबके फेवरेट हैं, सबका दिल चाहता है कि और कुछ खाएं या ना खाएं गोलगप्पे तो ज़रूर इंजॉय किए। मैंने भी इनके साथ बहुत मज़े से गोलगप्पे खाए। उसके बाद ये फातिमा और हाशिर की कुछ पिक्स ली, इनकी अप्पी की पिक्स ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।